आज हम बनाने वाले हैं झटपट बनने वाला हरी मिर्च का अचार। भाई खाने में अगर नमक मिर्च कम हो और साथ में एक बढ़िया सा अचार हो तो कमी पूरी हो जाती है खाने की। तो आज इस अचार को हम बहुत फटाफट बनाएंगे और ये खाने का स्वाद दुगना बढ़ा देता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं खड़े मसाले हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून मेथी दाना और साथ ही में 1 टेबल स्पून जीरा और 3 टेबल स्पून सौंफ और 1.5 टेबल स्पून राई, या फिर आप सरसों के दाने ले सकते हैं, मेरे पास सरसों के दाने हैं। अब इन्हीं सभी खड़े मसालों को हम फ्राई पैन में डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने का रीज़न सिर्फ एक है कि हमें इन्हें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बहुत ही हल्का सा हमें इन्हें रोस्ट करना है जिससे कि इनका जो मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि पानी जो होता है, मॉइस्चर जो होता है, वो अचार का दुश्मन होता है। अचार में अगर एक बूंद भी पानी आ जाए तो अचार ख़राब हो जाता है। अगर आपने अपने मसालों को धूप दिखा के रखा है तो आप उन्हें तुरंत पीस सकते हैं। तो देखिए ये रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूंगी मिक्सी के जार में और अब इनको ग्राइंड कर लेंगे। हमें इनको बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है, हमें इन्हें थोड़ा सा दरदरा पीसना है। तो देखिए हमारे पिसके मसाले एकदम रेडी है और आप देख सकते हैं ये हल्के से मोटे मसाले मैंने पीसे हैं, बिल्कुल पतला पाउडर इनका नहीं बनाया है, मसाला एकदम रेडी है। अब यहाँ मैंने लिए हैं मोटे वाले मिर्चे, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, सुखा लिया था और कपड़े से भी इनको क्लीन कर लिया था। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप जो सब्ज़ी में डलती है ना हरी मिर्च, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन सभी मिर्चों को मैं थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी सीज़र की हेल्प से। सीज़र से कट मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ कि जो मिर्ची का तीखापन है वो आपके हाथ में नहीं लगता है। आप अपने अकॉर्डिंग मिर्ची का साइज़ कट कर सकते हैं, मैं छोटे पीसेस प्रेफर करती हूँ, आप चाहें तो बड़े बड़े पीसेस भी कट कर सकते हैं। और ये अचार जो है वो इतना आसान होता है कि आप 10 मिनट में अचार बना के रेडी कर सकते हैं और तुरंत इस अचार को खाना हम शुरू कर सकते हैं। तो फटाफट हमने मिर्ची को कट करके एकदम रेडी कर लिया है, सारी मिर्ची कट हो चुकी है, हमारी मिर्ची बन के कट होके एकदम रेडी है। अब इसी टाइम पर मसाले ऐड करते हैं। ये मैंने लिया है 4 टेबल स्पून सरसों का तेल, मैंने इसको पका लिया था, ठंडा कर लिया था, आप कच्चा सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं पका हुआ यूज़ करती हूँ। तो 4 टेबल स्पून सरसों का ऑयल है जो हमने हम मिर्ची में डाल दिया है। अब ये है 2 टेबलस्पून सिरका, आप वाइट सिरका, जो भी आपके घर में विनेगर अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये ग्रे वाला था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब साथ ही में हमने जो मसाले पीस के रखे थे खड़े मसाले, हम वो सारा पाउडर अपना ऐड कर देंगे मिर्ची में। और 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 टेबल स्पून ये सॉल्ट है, नमक है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है और साथ ही में 1/2 टेबल स्पून हींग है। अगर आप हींग नहीं खाना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से हम मिर्ची के साथ में मिक्स कर देंगे और लीजिए हमारा अचार बनके एकदम रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आती रहे। तो देखिए झटपट बनके तैयार है हमारा हरे मिर्ची का मज़ेदार सा अचार। अब आप देखिए कितना इजी वे में हमने इसको बना के रेडी रखा है और ये खाने का स्वाद ना दुगना कर देता है और फटाफट बन के रेडी हो जाता है। आप इस अचार को किसी भी कांच के कंटेनर में डाल के रख सकते हैं, कांच के कंटेनर में अचार कम ख़राब होता है और किसी भी ओकेजन पर आप इसको बना के खा सकते हैं।